रही है, यहाँ हल्की हल्की सी बारिश, एकदम ड्रिजलिंग जिसे बोलते हैं। तो आज हमें थोड़ा काम है लाइब्रेरी में, तो आज हम जा रहे हैं लाइब्रेरी। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसी होती है यहाँ की लाइब्रेरीज। और इस स्ट्रीट में काफ़ी वैरायटीज़ के रेस्टोरेंट हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के। देखिए यहाँ पे है वियतनामी स्ट्रीट फूड का रेस्टोरेंट, और यहाँ पे आगे एक घड़ी है जो कि बिल्कुल गलत टाइम दिखा रही है, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 10:30। और ये है मद्रास फ्लेवर, जहाँ पे आपको वेजिटेरियन मतलब रेस्टोरेंट है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको इंडियंस मिल जाएंगी। जहाँ का हमने डोसा खाया था बहुत यम था, और यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी के स्वीट्स भी मिल जाते हैं। और जस्ट उसके सामने है लाइब्रेरी। रीडिंग सेंट्रल लाइब्रेरी। अगर आपके पास मेंबरशिप नहीं है तो आपको आगे जाना है, यहाँ पे मेंबरशिप होती है, जहाँ पे आपको अपना बीआरपी कार्ड देना होगा और एड्रेस प्रूफ के लिए बीआरपी कार्ड भी इनफ है। मेरे हम लोग ने केवल बीआरपी कार्ड दिया था, रेंट एग्रीमेंट में लाई थी पर उनको ज़रूरत नहीं हुई थी। ओके, बट स्टिल लाना अच्छा, लाना सेफ। वैरायटी की बुक्स हैं यहाँ पे, आपको जॉब का जिसमें इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड बुक्स आपको मिल जाएंगी यहाँ। इधर बुक्स भी है, हिस्टोरिकल नॉवेल्स। ये फिक्शन सेक्शन है, बच्चों की एक्टिविटीज भी रहती है, जैसे कि मतलब वो आते हैं तो उनको वो कलरिंग वगैरह कर सकते हैं। सामने एक टेबल रहता है जिसमें वो कुछ उनके लिए पेपर रख दे रहते हैं और कलर रख दे रहते हैं, तो बच्चों का भी यहाँ पे अच्छे से टाइम पास होता है। वैसे बच्चों का सेशन बहुत बड़ा है, अभी आपको वो भी दिखाएंगे। यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस की भी बुक्स अवेलेबल हैं, चाइनीज हो गया, आगे स्पेनिश है, इटालियन, देन रशियन, उर्दू, इनफैक्ट हिंदी बुक्स भी अवेलेबल है। सो काफ़ी अच्छी वैरायटी है यहाँ पर, फ्रेंच, तमिल, यस, पंजाबी, हिंदी, एक्शन, एडवेंचर। क्राइम फिक्शन और रुद्र यहाँ लग गया है अपने फेवरेट काम पे। इसको लाइब्रेरी आते ही सबसे पहले यही करना होता है। इनके अपस्टेयर्स में प्रिंटिंग की प्रिंट आउट की फैसिलिटीज भी है, तो हमको थोड़े से प्रिंट आउट लेने थे, तो अभी हम अपस्टेयर्स जा रहे हैं। अरे वाह, बच्चों की खेलने की चीजें है ना रुद्र। हाँ, इधर बेबी लाइब्रेरी है। ओके, आई थिंक यहाँ पे क्लासेस भी लगती होंगी छोटे बच्चों की, जैसे कि जो नर्सरी होती है ना, क्योंकि पहले जब मैं आई थी यहाँ पे 2019 में, तो लाइब्रेरी फैसिलिटी होती थी बच्चों की हाफ एन आवर की, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए। तो इसमें आपको लॉगिन करना होगा, जो कि आपको लाइब्रेरी कार्ड में 14 डिजिट नंबर मेंशन होता है, वो नंबर आपको उसमें डालना होगा, और इसमें पासवर्ड जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो आपको डालना होगा। ईयर ऑफ बर्थ सॉरी। यहाँ का प्रोसीजर कुछ ऐसा है कि पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट प्रिंट के लिए देने हैं, उसके बाद रिसेप्शन पे जाके उसका अमाउंट पे करना होगा,
और फिर वंस दे अप्रूव सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ प्रिंट हो जाएंगे। दैट्स इट। लास्ट टाइम मैं कुछ बुक्स लेके गई थी, उसे मैं रिटर्न करूँगी अभी। तो कुछ नहीं करना होता हमें, बस उसे यहाँ रखनी है और मुझे मेरा कार्ड यहाँ स्कैन करना होगा। ये ऑटोमेटिकली पूरी बुक्स आ गई हैं। देन आई सेलेक्ट फाइवेट आइटम रिटर्न फिनिश। प्लीज प्लीज, हमें यहाँ पे कुछ न्यू बुक्स लेनी है, तो सेम थिंग मैं यहाँ पे कार्ड रख दूँगी स्कैन करने के लिए, और हमें न्यू बुक्स लेनी है। हमने फोर बुक्स लिए बेटर, 1 2 3 हमने 3 बुक्स लिए, हो गया। अब यहाँ पे हमें फिनिश करना है। डन।